अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज अस्सलाम वाली सगे प्लेटफॉर्म पे वन डे जे ब्रेक आफ्टर वन डे संडे अस जो उम्मीद है सब जो खैर खैरियत से गुजरे होंगे। त आज अस वरी सागुणी जो का सो अस जे एक दिन जे ब्रेक का पो वरी ने प्लेटफॉर्म ते गथ्या हूं पांजे साइंस से सब्जेक्ट सा जी त हर सब्जेक्ट पानी रूटीन के मुताबिक हली रहा है। आज वरी जो का सो सब्जेक्ट सागे हले आ पेरी जे वक्फे खपो लास्ट टाइम सैटरडे ते के थी नो साज टेस्ट थी हुई। कमिंग सैटरडे हाँ जो अची पर ते असा जी इंशाल्लाह साइंस वाली टेस्ट कंडक्ट कई विंदी। त अचो जो पास हो यस बेनी असा जी व्यूअर आई असा इट्स हंसा वालेकुम सलाम गॉड ब्लेस यू बाबा अचो पण ता इट्स हंसा बाबा वीडियो के शेयर कयो मेंशन कयो बेन के शाबाश शरिया वीडियो के शेयर कयो आई प्यान पाजन दोस्तन के व्यूअर्स के जो पसो ता मेंशन कयो वचन आई क्लास में शामिल थन चीनी सो इमोजन मेंशन कयो आ जिशान खान के ताम जो को से कमेंट पे वनी कर ताम को नालो लिखनो जेके ता मेंशन कर चाहो सब जा सब मेंशन की जाले। ओके त अचो त विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम पाजी क्लास के असा स्टार्ट दे 17 जणा ने व्यूअर्स के छान। ओके दैट्स गुड शाबाश बाबा व्यूअर्स जेके जेके ता ने वीडियो वीडियो के व्यू कर रहा है वीडियो क्लास भी शेयर कयो आई बैन के मेंशन कयो बाबा हरि अप सा जल्दी सा वीडियो के शेयर कयो त जी जो पासो गची करे आसान क्लास के प्लेटफार्म के पाने हिसाब सा लियो अच्छो ते स्टार्ट कयो। अरशद अली खंबरो वालेकुम सलाम बाबा न्यास अली नोहरी वालेकुम सलाम मोहम्मद असलम वालेकुम सलाम अच्छो स्टार्ट के क्लास के आसान जी के आज की क्लास आए साइंस 6 क्लास के चैप्टर नंबर 11 that is the investigation of sound last time asa padho si just sound definition ane hin me aaye sound ji in depth investigation the aakhir asa sound ke how can we investigate the sound and various aspects acho ta padho tha ane ke diso tai khabar ta sound plays a very vital role in our daily life theek a sound je through jo kas asa various ऑब्जेक्ट्स जी असा इन्वेस्टिगेशन कंदा आयो है असा जी आइडेंटिफिकेशन कंदा आयो तो साउंड मा असा खबर पंदी आते केई शे जो आवाज है जी तूफान वगैरह ना कनो है स्टॉर्म लगनो है थंडर लगनो है तोने में आप जो कसो सा के खबर पछि नि आता हवा जो आवाज केड़ो होतो है या के शे पान में बीच कई हो जो बजाए में जो ओने जो आवाज केड़ो होता मुख्तलिफ शे जी यानी के आवाज असा के खबर पछि नि आ। ओके लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 है जो साउंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर आणे दिसो पुराने जमाने में इता पिक्चर दिसी रहया हो तो एरो मुज द यूज किया अब्दुल हफीज साहिब वालेकुम अस्सलाम बाबा ही दिसो ए माना पुराने जमाने में चले मोबाइल फोन्स या टेलीफोनिक मीडिया जो पासो चले या साइंस या इन्वेस्टमेंट कौन थी तो ने जमाने में दिसो हन तरह जी माना पाने पाने इंटरनेट कनावा यानी के एक रोप या के रस्सी या एकड़ो धागे ने मा का स्ट्रिंग लगाए करे ब गिलास खणदा वा प्लास्टिक जा उने में जो को है ये वगैरह लगाए करे पो आवाज बुझाइंदा एक पैसा कलाई करा तो तेमा जा इने गाल के मते नजर रखने जो पसो छात्यो मोबाइल फोन्स वगैरह आई पंजो टेलीफोनिक मीडिया जो पाए हुआ वजूद में छी। सागर ब्रोई गॉड ब्लेस टू बाबा थैंक यू। दिस इज साउंड किए पई जो पासो नेचर साउंड जी जो पणो ता ने के छ तो चलो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। साउंड पैदा थी दो है बॉडी के वाइब्रेट करण सा आई हर डायरेक्शन में जो पाए वो साउंड असा छ तो थे फैल जाए तो स्प्रेड तो थे साउंड कैन स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन बट द मेन कंडीशन फॉर द साउंड इज द प्रोड्यूसिंग बॉडी आवाज के प्रोड्यूस कर जा जका अहम में अहम तरी जका कंडीशन असा जी दैट इज द वाइब्रेटिंग बॉडी। याद रखो विदाउट द वाइब्रेटिंग बॉडी असा वट साउंड प्रोड्यूस न थो सके। दिसो द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स काज द मीडियम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के नो मीडियम के छापना जे मीडियम असा सॉलिड लिक्विड या गैसेस थी अराउंड दैट असा चौधरी जी कौन में सो चाहती है ये उनन के वाइब्रेट कंगन मोर एंड मोर जेत्रो आवाज जेत्रो बॉडी जो आवाज से सॉरी जेत्रो ऑब्जेक्ट वधिक वाइब्रेटिंग करतो रतो ओत्रो आवाज तेजी सा जो है वो आवाज फैल जदो वेदो आई प्रोड्यूस नो
फर्दर वर्ड सोचा तो चवे द एयर कॉलम। गौरी सोलंकी वालेकुम सलाम बाबा। अच्छा मोबाइल पे कही तो जेतरी बॉडी अधिक वाइब्रेट करती ओतरो साउंड आवाज तेज सा पैदा थी। अच्छा ओने खापो जी मिसाल तौर ते तान सोनो कुछ परसेंट चीज सो इस सिटी है इस सिटी जो कॉल की थी वजह जे हने में माउथ सा फिल्ट करे जी असन में एयर फिल कमायो तो छा थी दो है एयर असानी गैस होती है हवा गैस होती है वो सॉलिड बॉडी सा निकल टकराई भी है पोए असा जे माउथ सी जका एयर है वो सिटी जे सॉलिड पार्टिकल सा गर्जी करे वाइब्रेशन थी करे आईने जे वाइब्रेशन जे नतीजे में इन सिटी में जा आवाज तो पैदा थी। ठीक है वही हवाई जहाज था थोड़ा जंगी जहाज ही आसमान में उड़ा मदान जंगी जहाज पार्ट सॉलिड है भी एयर है आसमान ते तस गैस पार्टिकल जरे जंगी जहाज से सॉलिड पार्टिकल से पानी में टकराए जन सा वाइब्रेशन था कन आई नतीजे में होते आसमान ते आवाज से पैदा थे आई हवाई जो पास उन्हें आवाज उन्हें लहर के खानी कर जमीन असर पे तानी चे आई नतीजे में असर के जमीन असर पे थे हवाई जहाज से हलर जो आवाज असर को धर्मी द्वार एडिसो ड्रम भी चलाए आ बाबा ड्रम ढोल के के बजाए वा के बताई नो बाबा अच्छो सामो चो मुझे खबर पोए के ढोल बजाए वा सही ई सो जी हमरा इन ड्रम बीट कयो है तामा के ये कयो है हु हैज बीटन द ड्रम यस बाबा बुदायो ढोल अटै के बजाए वा घर में कैसा लिया दिया था बोसल ता सुनो अच्छा दो ला तसा करे करे टेबल के बैठा वजाई ना आयो कदे को डबो दो है या को बॉक्स होंदा उने के सा बैठा वजाई ना ता मा के बाबा यो टाइम के टाइम पने पास करयो है एंटरटेन किया है। यस व्यूअर्स इट्स हंसा एंड अरशद कामरो चंदन है बाबा ता वाला के शे गई है धक्कणी करे वजायो तो होदो करे करे एंटरटेन करन जला न्यास अली नोरी छे तो मी न्यास हुआ तो अच्छा बजाया बाबा डोले या को ढबो या को ड्रम या को टेबल वगैरह के ता बजायो तो सागर ब्रोई छे तो आज टाइम वो ड्रम या कौन बजाए ओके गोरी सोलंकी सर बी के छाती में बजाया है। अच्छा गोरी सोलंकी ता वजह दे के शादी में या वजह इंदे दिसो आ के अच्छा इट्स हैंड्स आ जति जैसे टेबल में बहुत बजा है बाबा वो टेबल ते वजह ने वो घर वाला ता ने की फील करा होता ता जा घर वाला या के दोस्त में ता फ्रेंड्स में सहेली में ता बैठा होता ओते की फील करा होता चे दो ये चे दो पत्थो खाई वई आई रक्त पी वई आई एड़ा कुछ ना लफ्ज सा बुधाओ ओदा या बिजार करे छियो थई एड़े किसम जे लफ्ज सा बुधन में आया होता ना मोहम्मद असलम कमेंट ना ड्रम बीट कयो था अच्छा जबरदस्त सो हिटिंग द स्किन ऑफ द ड्रम न्यास अली नोरी चतो मिट्टी जो घरो घड़ो ठहर होतो आए वो बजायो अच्छा या अब थर वारन जी माना थर जा मानो या माना कनाइन अच्छा गोरी सोलंकी सर भैया की शादी में ढोल बजाया था अच्छा ता माने भाई की शादी में ढोल बजायो वाह वाह ढोल जो बचा छो या हनी तवा जे के इसके ना वो ब्लास्ट करे पाड़े छले हो बाबा ओके दिस ढोल ये जो ड्रम है की तो वजे हिटिंग द स्किन ऑफ द ड्रम जेने ता ड्रम के ता हिट करना अच्छा थिनो है वो ड्रम जो ही जो सरफेस है होते वाइब्रेशन क्रिएट कर दो है आईने वाइब्रेशन चेक करे ता जो ईयर ड्रम ता जे कन जो को ड्रम है वो वाइब्रेट कर आई नतीजे में ता के ड्रम के बीटिंग जो आवाज बुधन में दो है। नौशीन मेहमान जी बच्चा खुश रहे बाबा गॉड ब्लेस यू इट्स हंसा नो सर एंजॉय करते हैं अच्छा इट्स हंसा वाइज वा छोकरी है चेचे मुझे अति है मुझे बेना चेचे माने टेबल पे वजे हंसा जे एंजॉय कयो बात करे करे जे प्लेट के चमचन सा जे कने मा हिट कया अच्छा तकरीबन बाबू छतो पंदो आ कावड़ जी पंदो आ या कने कने अमा आ गया अमा पया होती है मा आ गया उन सडे घर में अमा के ढोड़ाई दो मुझे हाथ में जो थाली होती है थालो दो फिर माने एड़े किस्म जी पे एंटरटेनमेंट बना सा तकरीबन कदर रहता है पण अच्छा भला प्यो करे ता कयो दो थाली हुजे प्लेट हुजे या को थाल हुजे वो ता के मथे में आयो है
जोर में आवाज से करे आवाज टन एड़े किस्म दे आवाज से कर दो यस के होते के प्लेट या को थाल के मथे में है के सही हाँ बाबा के मथे में के प्लेट आई है को थाल है वहां जे ता आवाज से करो जे बाका जे निकल आई वाके मानो बाका दा खुश थी हो जे ता वाह वाह तो मुके छायो है मानो जो जो आए इट्स हंसा मी अच्छा 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 आयो था के खे हो था आई अगेन मानो की पूरी रिफ्लेक्शन छावी मोट छावी ता के छा चेनो नहीं गोरी सोलंकी नो सर किसी को भी नहीं मारा अच्छा अच्छा माना ता जे था फिलहाल बचा बाकी इट्स हंसा बेचारी वाला के मारियो बाबा मानो जो जो वाला के मारियो अल्लाह खैर करे बाबा मथे नथियो बचा थी हो या सागर प्रोही बाबा के जी गंज में ताने भुलजी बनाण जो न त कोए ताके जीरो पूरे छ जिंदा पूरे छ नवा गंज में आने में छता पायो बाबा माने मौत के दावत रे अच्छा 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 बोला के रस्ते ते डॉगी को सुतो पे हो जे छीका गेर मिनट में ताग प्लेट या थाल खाने जो जे माथा कोई हिच कयो टन आई पो ता म ये के कर कयो डॉगी जे सा माथा पी कर सुतल डॉगी माथा पी कर ता थाल के ता हिच कयो जे प्लेट के ता हिच कयो जे डॉगी जागी पयो जे ता के ढोड़ायो जे के कयो है बाबा ये वताई अल्लाह अकबर मोहम्मद असलम साहब बाबा एकड़ो बडो हेवी कम कयो छे तो सर प्लेट ना बाकी स्कूल में एकड़ो मथो फाड़ियो हल बाबा आवाज निकतो बडण जो को ना मानो जो तो छे तो पर उल्टा मुझे और बजा था थाल अच्छा 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 पर ये एंटरटेनमेंट जो गालियो एंजॉयमेंट जो बाबा जोकिंग वगैरह थिंदे दिया दिसो मताएंगे कुछ रिपेयर चाहिए हो तो यू आर आर लाइक माय फैमिली मेंबर्स फैमिली में मैं जो सोच का हंसी मजाक में कराए कि लिमिटेड वे में को थी दी पढ़ाई थी दी दी ओके फर्दर दिस इज अ माइक्रोफोन ठीक है माइक्रोफोन में भी यो साइगर सिस्टम है जो हेड में ता गलाइदा हेलो हेलो कना या को नाच्स वगैरह या जो पासो सिंगिंग वगैरह सॉन्ग का गायो तो ये माइक जो चुका दिस इज अ डायफ्राम ठीक है हाने हेने में सोच छापियो थे हेन में ब आवाज जो के लहरों है ना वो है हेन माइक जे अपर सरफेस से टकराए जतो कोई वो छाती थे जे के इलेक्ट्रिकल जे के वेव्स होले जे के इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल हो जे वो छा कनियो या इलेक्ट्रिकल जे के सिग्नल सुने वो आवाज के वायर ने थ्रो बनी स्पीकर टाइप हो जाए दियो आई नतीजे में हुन माइक जे थ्रो ता चुको गला वो आवाज उते स्पीकर में ता के उधर में दो ठीक है ओके सो फर्दर हाउ साउंड ट्रैवल अच्छो पण तो साउंड जो का सफर की तो करे ट्रैवलिंग साउंड की भी थे हाउ डू यू हियर योर स्कूल बेल ता क्लास में अच्छा ता स्कूल बेल बुतन आयो हाउ डू यू हियर अजान 5 टाइम्स इन अ डे अजान जो आवाज सा बुतन आयो हाउ डस ईच ऑफ दी साउंड गेट योर यस साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स याद रखियो साउंड जन वेव्स में सफर कंदो आए उन वेव्स जो नालो आए longitudinal waves okay sound wave is a longitudinal pressure wave of audible or inaudible sound when any object vibrates it causes the air particle around it to vibrate the particle hits the other particle and make them to vibrate chato thie te jare taha air ki maujoodgi mein hawa ki maujoodgi mein ke aasa jo paso sound producing body matha ta hit ta kayo
या त सिटी ता वजाय ता माइक में ता गलायो ता उने में छातो थे त जेके एयर च पार्टिकल गैस च पार्टिकल होता है ओए हन आवाज से लायरन के खणी करे पानी जगह ते पुजाई ता पर शर्त यो है त वाइब्रेटिंग बॉडी इज मस्ट टू प्रोड्यूस द साउंड ठीक है सुमेन सत्यन वालेकुम अस्सलाम इमरान अली मल्ला गॉड ब्लेस यू बाबा गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू दिस ऑल दिस इज द फिगर ही लाउड स्पीकर है ठीक है ही लाउड स्पीकर है डायफ्राम है डायफ्राम यानी के इन में जेके हवा जो लहरों सॉरी आवाज जो जेके लहरों में सफर कर दिस इज कंप्लीट मीडियम ऑफ एयर आई ही अगर मानु काने बिछो जे तई आवाज पजे पे ठीक है एलेवेन सो एयर पार्टिकल एंड आई प्लस में साउंड जा चके लहरों वो पार निकरन पियो वो एयर पार्टिकल छा पियो करे वो इन साउंड जी वेब से खणी वनी करे एयर तई पोजा पियो आई नथ जे में सागे आवाज क्लियर कट बुधन में दीजिए हां ओके एक न्यू इंफॉर्मेशन आए जो वाले कॉलम में सो लिखी पया छा पे छवे सो मैंने सबते आई एम फाइन बच्चा आई होप यू आर आल्सो फाइन एंड आई होप यू ऑल आर आल्सो फाइन ता सबनी गला तला पानी फरमान में रखे डू यू नो हाइपरसोनिक साउंड टेक्नोलॉजी इज सिंपली द मोस्ट रिवोल्यूशनरी साउंड रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द सेंचुरी हेन असाई सदी में हाइपरटोनिक साउंड जी का टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक ठीक है हाँ ता तान सो मुख्तलिफ कंपनी अल्ट्रासोनिक यो या वरी पैनासोनिक माना मुख्तलिफ जे केन वो ता के साउंड जे पाने बताइन हाने हिंदसो ही हाइपरसोनिक साउंड टेक्नोलॉजी जका वो अच्छा है इट गिव्स यू द एबिलिटी टू डायरेक्ट साउंड वेयर यू आर हिन टेक्नोलॉजी जे थ्रू तहा के जे टारगेट जिता बिछायो ओता ता के जिता वता बुधर ता चायो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जे थ्रू ता उन आवाज के क्लियरली बुधी ता सबो ठीक है हाइपरटोनिक सोनिक साउंड में सो ता जो ईयर चके मानो कुछ डम उन जे मोड़ा उन ता माने हेड फ्री के यूज करा के मशीन इत माने जे पॉकेट में वगैरह में लगी पई होंदी है वो जिता जे रीजन जो आवाज बुधन चाहिदा वो आसानी से बुधी सकना यो सब कुछ छाजे करया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ये करे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी जे ता जरा कुछ ऑब्जेक्ट्स है तची साउंड के तमा क्लियरली बुधी सको फर्दर साउंड इज ट्रैवलिंग दसो के पे थे एको पर्सन आए एको क्लास फेरो या केयर बाय किथे बाव एकड़ी जगह ते बी करे वो छा तो करे या वो क्लासरूम में रड़तो करे ठीक है या कुछ गाला है तो आवाज तो करे तो बे क्लासरूम में ता के छा तो थे आसानी से बुधर में तो छे या वरी किया थिए तो करे करे त कदे करे बल्कि डेली बेसिस ते थी वा त स्कूल बेल बाकायदे ग्राउंड में रखिया पर ता क्लासरूम में वेते करता बुधनायो एक शर्त यो है त बेल जो का इतनी भारी और पहुंचे इतनी माना ओपनली और पहुंचे जो वाइब्रेट आसानी से करे आवाज जो का सो आसानी से पैदा करे आई नतीजे में कहां चे हैंड सो जी वो बेल वाइब्रेट की करे आवाज पैदा तो थे हवा में शामिल तो थी ने ता ताई क्लासरूम सा ता जे ईयर ड्रम सा जी टकरा जे तो आई नतीजे में ता के बेल जो आवाज बुधन में तो छे ठीक है अच्छा बेल जो आवाज बुधी करे खास करे रेसेस जो टाइम स्कूल लाइफ में रेसेस जो टाइम में छुट्टी टाइम पे बेल जो आवाज बुधी करे ता मा तकर तकर में भजनो केरा है जे टकराए जो केरा है पान पानवा बाबा के बुधाई ना बाबा बेल जो आवाज बुधी करे रिसेस से टाइम ते या छुट्टी वाले टाइम ते जी पे लगे एकदम सब कुछ सुनाई से तो ना भजन कोके में टकराए जो कोके में टकराए जो को भेत में लगो को टीचर में लगो को के मथा करियो कने ये थियो है बाबा यस गाइस बुधाई बाबा गौरी सोलंकी नहीं सर मेरे साथ नहीं हुआ अच्छा बे कैसा कैसा थी बाबा ये सो मेरा सवाल यह था कि बेल जब बजती है एक हाफ टाइम के रेसेस के टाइम पे और छुट्टी के टाइम पे स्कूल लाइफ में आपने देखा होगा तो कभी कभी ऐसे हुआ कि आप तेजी से भागे हो बेल का सुनते ही छुट्टी के टाइम पे रेसेस के टाइम पे कभी आपस में टकराए हो कोई बेंच के ऊपर गिर गया कोई जमीन पे गिर गया या फिर कोई टीचर के पास जाके टकराया या कोई टीचर के गोद में गिर गया कभी किसी के साथ ऐसे हुआ है बाबा न्यास अली नोरी जो बदफा मथो पटो है बाबा तो कुछ एहतियात कर
एडी तकर में भगा वने मथो फड़ायो कोने बचा यस ओके ये कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं ये ता घर में सॉल्व कजो दिसो चाइन Do you hear sound of scratching the ruler? देखो रूलर आया उन्हें कहता है स्क्रैच करने उनकी आवाज बुदो तो है छो What happens when the bell is ringing inside the water? जब अगर हम बेल जो स्कूल में बजाते हैं अगर उसको पानी के टब के अंदर डाल के उसको बजाए तो बताएं क्या होता है ठीक है ये प्रैक्टिस ये एक्टिविटी घर पे देखना और कल मुझे बताना है ठीक है अच्छा व्हाट दिस एक्टिविटी इंडिकेट ये जो ऊपर वाली दो एक्टिविटी है वो क्या जाहिर करती है और आपकी कंक्लूजन क्या है तो हाथा खुशी में मथो भित में लगो अच्छा मोहम्मद महदी नहीं सर जिसके पास सफर नहीं होता वो टकराते हैं बाबा वो तो है सुमेया सिप्तन वाइब्रेट होगा ओके यस बेटा ओके अब देखो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है कि मैरिन मर्सिन वाज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मैरिन मर्सिन एक साइंटिस्ट था उसने हवा में साउंड की स्पीड को मेयर किया था कब 1640 में उसके बाद रॉबर्ट बॉयल डिस्कवर्ड दैट साउंड वेव्स मस्ट ट्रेवल इन अ मीडियम रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है फिर चाहे वो एयर हो या फिर कोई और हो ताकि वो आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके सो स्पीड ऑफ साउंड If you have ever been a cricket match, you may have noticed. कभी-कभी आप लोगों ने क्रिकेट मैच में गए हो या फिर देखा होगा. Notice something odd. You see the batsman hit the ball. आप लोग क्रिकेट के टाइम पे जब बॉलर बॉल को फेंकता है फिर बैट्समैन जब जैसे शॉट मारने की कोशिश करता है छक्का या चौका जो बनाता है तो बॉल और बैट आपस में टकराने के बाद फिर क्या होता है एक आवाज सी निकलती है अच्छा ये क्यों होता है वो आवाज हमारे पास जल्दी जल्दी क्यों पहुंचती है बिकॉज देखो दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच वी आर यूज्ड टू सी द सेम थिंग इज एट वर्क ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एंड थंडर बोथ हैपन एट सेम टाइम वी सी लाइटनिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली बट इट टेक्स लॉन्गर देन हियर द थंडर अब आप लोगों ने कहा याद रखना कि लाइट की स्पीड आवाज की स्पीड से ज्यादा होती है कभी कभी आपने देखा होगा आप खंबे पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो जैसे धमाका होता है तो लाइट भी जलती है तो पहले आप लोगों ने देखा होगा पहले लाइट जलती है फिर धमाका होता है ठीक है दिस इज बिकॉज इसकी वजह क्या है कि पहले लाइट की स्पीड ज्यादा होती है फिर आवाज की स्पीड ओके फर्दर हम देखो आसमान पे जो बिजली का रेशियो देखो क्या है द फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम लाइटनिंग ट्रेवल्स एट अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड वाओ देखो कितनी ज्यादा एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर तक लाइट की स्पीड लाइट जो ट्रेवल करती है इसकी वजह क्या है दिस इज व्हाई वी सी इट मच सूनर देन वी हियर द थंडर इफ लाइटनिंग ऑकर्स किलोमीटर अवे द लाइट अराइव्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली वन अपॉन 300,000 ऑफ अ सेकंड एक सेकंड के अंदर हमें लाइट जो है 300,000 ऑफ अ सेकंड यानी कि 1/300,000 ऑफ सेकंड हमें आवाज जल्दी सुनाई देता है लेकिन But it takes sound nearly 3 seconds to arrive. पर आवाज जो है लाइट तो जल्दी पहुंचती है लाइट के पहुंचने के बाद जो आसमान पे जो बिजली गरजती है तो उसमें जो हमें जो आवाज सुनाई देती है उसमें 3 seconds के अंदर जो है हम आसमान की जो आवाज में सुनते हैं जो तूफान वगैरह की जो आवाज होते हैं लेकिन सबसे पहले हम बिजली देखते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड आवाज की स्पीड से ज्यादा होती है फर्दर देखो अगर हम कोई लिक्विड उठाएं या फिर कोई सॉलिड उठाएं लिक्विड में आप लोग कैसा करना कि टब में पानी भरना फिर डेक्ची में उसमें ताली बजाने की कोशिश करना आप लोग ये नोट करोगे कि ताली आसानी से नहीं बज पाएगी आवाज आएगा छप छप तरह का इस तरह का जो है वो अपना आवाज आपको सुनाई देगा लेकिन आप आमतौर पे जो कॉमनली जो आप जो क्लैपिंग कर रहे हो उसकी आवाज क्लियर होगी लेकिन पानी के अंदर जो आप ताली बजाने की कोशिश करोगे वो कम सुनाई देगी क्यों बिकॉज पानी के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है हैवीएस्ट है
और जो साउंड के पार्टिकल्स है वो बिल्कुल क्या है, लाइटेस्ट है। इस वजह से पानी के अंदर जो ताली बजाने की आवाज आप लोगों को बहुत कम सुनाई देगी। अब ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस है, मुख्तलिफ रफ्तार के साथ देखो अपनी। एल्यूमिनियम से आवाज निकलेगी 6420 मीटर पर सेकेंड। ब्रिक, ईंट, जो ईंटें आप लोग फेंकते हैं तोड़ते हैं उसकी आवाज आती है 3650। कॉपर 4760। और उसके अलावा ग्लास 5100। गोल्ड 3240। लीड 2160। सी वाटर 1530। एयर जो है 332 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से चीजों में से आवाज पैदा होता है। देखो दिस इज द एयर, हवा में देखो किस तरह के 332 मीटर पर सेकेंड। पानी में जो हवा में देखो कितनी ज्यादा चला है, लेकिन पानी में क्या है 153। अब देखो ये 103 वाटर में आवाज कंप्लीट, एयर में कितनी है 332 मीटर पर सेकेंड। अब ओवरऑल जो है वो देखो क्या हो रहा है, कंक्रीट देखो क्या है 500 मीटर पर सेकेंड। स्टील के अंदर जो स्टील वो सबसे ज्यादा आवाज पैदा करता है। स्टील के अंदर ये डायग्राम आप लोग देखते होंगे 6420 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसमें स्टील में जो है आवाज ज्यादा प्रोड्यूस होती है। आपको पता है हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ साउंड पढ़े कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, डायग्नोस करना कि कौन कौन सी चीज में आवाज ज्यादा पैदा होती है। हाउ डू वी हियर, हम कैसे सुनते हैं, ये तो आपको पता है कि आवाज जहां से भी वाइब्रेटिंग बॉडी से आवाज जब आती है तो सीधा आकर वो हमारे ईयर ड्रम के साथ टकराती है, तो वो ईयर ड्रम आवाज वाली वेव्स के साथ वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के नतीजे में हमें आवाज जो है वो क्लियरली और आसानी सुनाई देती है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मस्ट मेंशन मी इन द कमेंट बिलो। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोग सब के सब मेरी पॉइंट्स को, मेरे लेक्चर को गेन कर रहे होंगे। ओके, सो ये है हमारा ईयर, ईयर कान है। देखो अब देखो आवाज की लहरें जा रही है जाते ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ लिक्विड है। अच्छा ये ईयर ड्रम भी होता है, इसके साथ अपना आवाज की वेव्स के साथ वाइब्रेट करता है, फिर नतीजे में कुछ नर्व्स इंपल्स होती है जो नर्व्स को आपको बताता है कि किसका सुन रहे हैं वो, किस चीज की आवाज है। फर्दर जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जब हम अब देखो यहाँ पे लफ्ज देख रहे हो स्लाइड में कुछ नॉक लिखा के एन ओ नॉक, जब वो किसी भी दरवाजे को बजाते